जी टीवी के सीरियल मीट में आज घर में होने वाली है पिज्जा पार्टी, इसीलिए देखिए कैसे मंजरी और बबीता मिलकर रसोई में पिज्जा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ दोनों के बीच चल रहा है बातों का सिलसिला भी। मंजरी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द अपनी जगह सही था और इस घर को छोड़कर जाने का फैसला भी। मैं जानती हूँ तुमने मेरे राज की वजह से ये फैसला लिया ना कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। शायद उस वक्त अगर पप्पा जी की आवाज़ नहीं आई होती तो अब तक मैं जा चुकी होती। आपके सर फिरे बेटे ने कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी मुझे परेशान करके यहाँ से भगाने के लिए। अब कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि पप्पा जी जैसे भले इंसान का बेटा ऐसा शैतान कैसे हो सकता। वो देखकर बहुत अच्छा, सॉफ्ट हार्टेड, फन लविंग, छोटी छोटी सी बात पे सबके साथ मस्ती करने वाला, मजाक करने वाला, सबको हंसाने वाला, हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। और हस्बैंड तो वो नेक्स्ट लेवल था। मेरी मीत माँ का बहुत ख्याल रखता था। उन दोनों के बीच में गलत फहमी के तो कभी कोई जगह ही नहीं थी। अगर गलती से कभी दोनों के बीच में टेंशन हो भी जाए ना तो भी झट से सुलझ जाती, क्योंकि दोनों कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते ही नहीं थे। और इन दोनों की प्यार की वजह से मेरा पूरा घर चहकता महकता है। एक ओर जहां मंजरी के आने से बबीता बेहद खुश है तो वहीं दूसरी ओर मंजरी अपने दिल की बात बबीता से कहती है कि घर के सभी लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मीत उसकी आंखों में खटकता है। ऐसे में बबीता मंजरी की बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है उसका बेटा मीत वैसा नहीं है। अब देखना होगा कि क्या मंजरी बबीता की बात को समझते हुए मीत को समझने की कोशिश करेगी। थोड़ा लाइट करने का माहौल है, फैमिली को खुश करने के लिए हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं ताकि सब खुश हो जाए। तो मैं और मंजरी मिलके पिज़्ज़ा बना रहे हैं। शुक्रगुजार है मंजरी के लिए कि वो राज के लिए हमारी फैमिली का दर्द समझ रही है और राज के लिए वो रुक रही है, जबकि हमारा मीत, क्योंकि वो मीत को भूल नहीं पा रहा है। जो भी को कितना भी धोखा दे दिया किसी ने, क्या बट प्यार से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो वो प्यार करता है तो वो नफ़रत में जो भी हो इसी उसमें लगा हुआ है कि मंजरी कहीं मीत तो नहीं, तो उससे मेरे बेटे से गलतियां होती जा रही हैं जो कि वो अन ना चाहते हुए भी, मेरा मतलब है कि वो मंजरी को हर्ट कर देता है बस ये जानने के लिए कहीं मीत तो नहीं है। उसी के चलते मंजरी को बहुत हर्ट हुआ, वो घर छोड़कर जा रही थी तो वो रुक गई है मेरे राज की वजह से। तो अब उसका वही कहना है कि आपका बेटा सही नहीं है, वो बहुत ही नकचड़ और वैसा है। तो मैं बस उसको ये समझाना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा से वैसा नहीं था, कुछ सिचुएशंस थे, सर्कमस्टांसेस थे, नहीं तो वो बहुत ही अलग लड़का था। जो आज पत्थर दिल है ऐसा पत्थर दिल वो कभी भी नहीं था। तो ये उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुस्सा करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो कि उसका दर्द किस बात का है, वो उस पर क्या बीत रही है। तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश तो करी है बट जल्दी उसको समझ में आ जाए और वो कोशिश करे मंजरी मेरे मीत को समझने की। ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि वो मेरे बेटे से नफ़रत नहीं करे, बिकॉज मेरा बेटा नफ़रत के लायक नहीं है। तो अभी देखते हैं कि मंजरी कोशिश करती है कि नहीं मीत को समझने की। पहले तो वो है कि वो खुद समझने की कोशिश करती है कि नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है। थैंक यू।